जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल में स्वागत है। एयरफोर्स की ओर से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि 3 स्टेट के लिए ओपन रैली जारी की है। 3 स्टेट के लिए आपकी जारी की है, लेकिन यहाँ पर 1 स्टेट और में साथ शामिल की है, तो कुल मिलाकर 4 स्टेट के लिए ये आपकी जारी हुई है। ओपन भर्ती ओनली वाई ग्रुप के लिए, तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। यदि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यही है कि एयरफोर्स ने सुनहरा मौका दिया है आपको ओपन रैली के थ्रू, तो आप इसे जरूर इस रैली में भाग लें और एयरफोर्स का अंग बने। तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं, और चलते हैं उस नोटिफिकेशन की ओर, किस प्रकार उस नोटिफिकेशन को चेक करना है। यदि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में दिख रहे घंटे के निशान को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाले हर डिफेंस के, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के जितने भी वीडियो होते हैं, कोस्ट गार्ड, तो उसके नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो फ्रेंड, बिना समय गवाए हम अपने नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। और तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने फाइनली नोटिफिकेशन पर। जो ये वैकेंसी आई हुई है, यह आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, मध्य प्रदेश के लिए 01/2020 के लिए, ठीक है फ्रेंड। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप के लिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस रखा है इसके अंदर। मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं, इन जिलों का नाम दिया हुआ है यहाँ पर इस बॉक्स में, आप पढ़ सकते हैं। इनको 17 फरवरी को यहाँ पर प्रेजेंट होना है, और ये आपकी ये रैली चलने वाली है फ्रेंड 17 फरवरी से 22 फरवरी के लिए। तो ये सबसे पहले यही रैली होने वाली है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है। यदि आप मध्य प्रदेश के इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ओपन रैली आई हुई है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एयरफोर्स को। और यदि इन जिलों से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 तारीख को प्रेजेंट होना है, जो आपको दे रखा है, ठीक है। एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है, और डेट ऑफ बर्थ क्या रखा गया है, 19 जनवरी 1999 से लेकर 19 जनवरी 1999 से लेकर आपका 1 जनवरी 2003 के बीच में यदि आप बिलोंग करते हैं तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं फिर, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रखा गया है फ्रेंड, ये एक बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपको प्रमाणित होना चाहिए, 50% होने चाहिए, 50 इक्वल किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है फ्रेंड। आप वहाँ से जा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। फिर आते हैं अपने एग्जामिनेशन की ओर, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रखा गया है, ठीक है। सारी कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, सेम प्रोसेस एयरफोर्स का ही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, और आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोज वगैरह सब कुछ है, आईडी आपकी जो भी, वो साथ लेके जानी है, सर्टिफिकेट है सबके सब लेके जाने हैं, डोमिसाइल जो। तो फ्रेंड, आपका जो एग्जामिनेशन यहाँ पर रखा गया है ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लेके जाके, क्योंकि बोनस मिलने वाला है वहाँ पर आपको, आपको बेनिफिट होगा उसका, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, और आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करना है, और कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। तो फिर फ्रेंड, आपका जो मेडिकल होने वाला है वो जुलाई के अंदर होने वाला है, ठीक है। जुलाई के अंदर होगा मेडिकल आपका, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप मध्य प्रदेश के इस जिलों से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड जरूर एयरफोर्स का अंग बनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दें, ताकि हर वीडियो जो हर भाई तक ये वीडियो अपना पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।